गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करते हैं हमारा गद्य खंड में नया चैप्टर है, यशपाल द्वारा लिखित है लखनवी अंदाज। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, लखनवी अंदाज, लखनऊ के कोई नवाब हैं और उनका अंदाज बिल्कुल निराला है। वो क्या अंदाज उन्होंने अपनाया है और यशपाल लेखक ने जो है उनके अंदाज को किस तरह लिखित में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, पहले लेखक का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। लेखक यशपाल, देखिए यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर गांव में हुआ था। 1903 में फिरोजपुर पंजाब के हैं ये। फिर प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ, क्रांतिकारी थे। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ा होने के कारण वो भी जो है इन कार्यों में सक्रिय हो गए। ठीक है, स्वाधीनता की तरफ उन्होंने भी अपना रुख कर लिया और इस कारण जो है कई बार वे जेल भी गए और 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति मिलती है, आम आदमी के यानी जमीन से जुड़कर, यानी आम आदमी की एक जो है परेशानियां, जो समस्याएं, वो किन परिस्थितियों से जूझता है, उन परिस्थितियों को इन्होंने यहाँ पे उकेरा है। ये यथार्थवादी शैली के हैं, वे विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीति पाखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हुई है। देखो, राजनीति पाखंड, पॉलिटिक्स में जो है किस तरह का पाखंड धोखाधड़ी चलती है, ये रूढ़ियों के खिलाफ, यानी कौन सी पुरानी जो है परंपरागत रूढ़ियाँ हैं जिन्हें आज भी हमारा समाज अपनाता है। ठीक है, और सामाजिक विषमता, हमारे समाज में किस तरह की विषमताएं हैं, असमानताएं हैं लोगों के बीच में। ठीक है, तो उनके कहानी संग्रह में, उनका कहानी संग्रह, ये रचनाएं उनकी हमें याद रखनी है। तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है, उपन्यास है इनका झूठा सच। और ये पूछ लिया जाता है कि भारत के विभाजन की त्रासदी को दर्शाता हुआ उपन्यास कौन सा है। भारत के विभाजन की जो त्रासदी है, भारत पाकिस्तान विभाजन की, उस त्रासदी को, उस दुख को जो है इन्होंने झूठा सच उपन्यास में लिखित रचना में जो है शब्दबद्ध किया है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता, सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। अब पढ़ते हैं जो यहाँ हमारे चैप्टर दे रखा है, कौन सा, लखनवी अंदाज। क्या है इसमें कि यशपाल ने लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है। कैसी व्यंग्य रचना को साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना कथ्य के। यानी यशपाल का मानना है कि कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई, अगर कहानी लेखन हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कथानक होना जरूरी है, कुछ ना कुछ इसकी स्टोरी होनी जरूरी है। जब कोई घटना नहीं होगी तो हम उस घटना को कहानी में कैसे डालेंगे। तो कहानी लिखने के लिए कुछ ना कुछ तथ्य या कुछ ना कुछ कथ्य और घटना होना जरूरी है। तो परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में रचना को पढ़ा जा सकता है। परंतु एक ऐसा टॉपिक जो हमने कभी देखा, सोचा और उसी को जो है शब्दों में पिरो दिया, तो ऐसी घटना का उल्लेख भी किया जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, उस पतनशील सामंती वर्ग पर जो एक भेदभाव होता है शोषण और शोषक के विरुद्ध। ठीक है, एक जो शोषण करता है, एक जो शोषण सहता है। ठीक है, किसान और पूंजीपति वर्ग वाला। ठीक है, तो कटाक्ष किया है और कि जो वास्तविकता से बेखबर होते हैं, जिन्हें ये नहीं पता असल में जिंदगी क्या है। ठीक है, हकीकत में जिंदगी क्या है, वो सिर्फ एक बनावटी जीवन जीता है। जैसे चैप्टर का नाम है लखनवी अंदाज, लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है कि लखनवी नवाब जो होते हैं वो बड़े ठाट से रहते हैं, वो बनावटी जीवन शैली जीते हैं। उन्हें ये लगता है कि बस हमारा रहन सहन ही लोगों को दिखाई देना चाहिए। तो उस शैली का एक आदि है कौन, जो एक सामंती वर्ग, ठीक है, पूंजीपति वर्ग। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी यशपाल कहते हैं कि ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आज के समय में भी इस तरह के सामंती वर्ग वाले मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी रचनाओं को फिर से एक बार मैंने यहाँ अलग से लगाया है। ठीक है,
तो इसमें आप, ये इम्पोर्टेंट है इनका झूठा सच और उपन्यास, तो इनको एक बार आप अच्छे से देख लेना। देखो इनकी कहानी संग्रह अलग है, तरका तूफान, पिंजरे की उड़ान, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उपन्यास इनका सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, हमेशा याद कर लेना। ये प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक जो दस्तावेज है वो कौन है, कौन सा है, या वो जो है लिखित उपन्यास कौन सा है, तो झूठा सच प्रमुख उपन्यास। इसके अलावा अमिता दिव्या पाटी कामरेड और दादा कामरेड, ये दो भी इम्पोर्टेंट है इनके, ठीक है। तो ये इनकी अलग से रचनाएँ हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ का सारांश। चैप्टर तो हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे पूरा लाइन टू लाइन, लेकिन यहाँ हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को कि आखिर इस चैप्टर में क्या है, लिखा क्या है लेखक ने, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो अब लेखक क्या करता है कि कहानी लिखनी है उसे, और उस कहानी के लेखन के लिए वो कहीं बाहर जाता है, सोचता है कि कोई ऐसी जगह मिले मुझे, ठीक है, ऐसी जगह मिले जहाँ एकांत जगह देखता है और सोचता है कि ऐसी एक एकांत जगह मिले जहाँ मैं अपनी कहानी। लेखक क्या करते हैं, लेखक कहीं एकांत जगह बैठते हैं, जो रचनाएं करते हैं वो एकांत जगह ढूंढते हैं, क्योंकि सोचने समझने की उनको बिल्कुल एक अलग जगह चाहिए, तो ताकि वो सोच सके घटना का, कुछ घटना को शब्दों में पिरो सके। लेखन रचना इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो क्या कह रहे, लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत, लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर जाना था, ठीक है, रचना के लिए लेखन करना है उसे। लेखक ने भीड़ भाड़ से बचने के लिए एकांत में कोई एक ऐसी कहानी के बारे में सोचने के लिए ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकेंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया, ठीक है। कहाँ का खरीदा, सेकेंड क्लास का। एक तो जनरल होते हैं जिसमें नॉर्मली आम जनता जाती है, एक सेकंड क्लास होते हैं, है ना, स्लीपर का जैसे रिजर्वेशन का हम अलग से लेते हैं, तो वो सेकंड क्लास का इन्होंने खरीद लिया। किस लिए, एक ऐसा दृश्य चाहिए था लेखक को, कैसा दृश्य, खिड़की से बाहर ट्रेन चल रही है, खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य कैसा नजर आता है, तो कुछ इस तरह की घटना उनको चाहिए थी, ठीक है। तो उन्होंने सेकेंड क्लास का ले लिया टिकट, और टिकट ले लिया तो वो डिब्बे में खाली समझकर वो चढ़ गए, बोला सेकंड क्लास का डब्बा है, चलो मुझे एकांत मिलेगा, खाली डब्बा है, और उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे में वो खाली समझकर चढ़े थे वहां पर पहले से ही एक लखनवी नवाब बैठे थे, बहुत ही आराम से पालथी लगाकर बैठे थे, ठीक है, और उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिए पर ऊपर रखे हुए थे। ताजे खीरे, खीरा ककड़ी होती है, सैलेड खाते हो वो वाली, तो खीरे पड़े थे, दो खीरे उनके पास पड़े थे धोए हुए, और किस पर, तौलिए पर पड़े थे। अब देखिए लखनवी अंदाज जो है, अब साहब जो हैं दो खीरे लेकर बैठे हैं, अब उनका अंदाज देखिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि क्या अंदाज है उनका खीरे खाने का। लेखक को देखकर, देखो तस्वीर में जैसे नजर आ रही है आपकी बुक में ये तस्वीर है, लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, भाई लखनऊ के नवाब है ना, अपनी शान और शौकत है, अपनी शान है, तो अपना जो है किसी और को आकर जैसे लेखक जाके बैठे तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, लखनवी वो अंदाज वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह रुचि नहीं दिखाई, लेखक उनके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए, इधर तो बैठे हैं वो नवाब और उनके सामने जाकर बैठ गए लेखक। अब खाली बैठे थे उन लेखक सामने, लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने हैं कि उनकी पुरानी आदत है, लेखक क्या करेगा, कल्पनाएं करता है कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए उनके आगे से नवाब साहब के होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे, कल्पना करने लगे कि शायद उनके नवाब के चेहरे से ऐसे लगा कि मैंने इनकी शांति को भंग कर दिया, तो वो सोच रहे थे शायद नवाब साहब के अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा, सेकंड क्लास की टिकट लिया होगा इन्होंने, और लेकिन अब इनको यहाँ मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, शहर के सफ़ेद पोश व्यक्ति नवाबी, ठीक है, सेकंड क्लास का सफ़र करते देखा, उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर दो खीरे खरीद लिए होंगे, ये सारी कल्पनाएँ कौन कर रहा है, लेख कर रहा है, ठीक है, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं। अब जो लखनवी अंदाज वाले नवाब हैं वो खीरे लेके बैठे हैं, सोचा खा लूँगा, लेकिन अब जो है कोई और उनके सामने आकर बैठ गया, उनकी शान में कुछ कमी ना आए इसलिए अब वो सोच रहे होंगे कि अब मैं ये खीरे जो है इनके इसके सामने कैसे खाऊं, ठीक है, मेरी शान और शौकत अलग है, तो ये सब विचार ही कर रहा था, ठीक है, अब विचार कर रहे थे।
फिर क्या हुआ देखो, अब ये आराम से बैठे हैं, ये खीरे ककड़ी जो है खीरे कट्टे अब उन्होंने काटे हैं। देखो नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों यानी कि तिरछी नज़र से देखना से नवाब साहब को देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक ने से खीरा खाने के लिए पूछा। खीरे जो है नवाब साहब ने काट कर तो लिए पर यूँ बिछा कर रखे थे नमक वमक डाल के, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जब हमारे सामने कोई है बैठा है तो मन से नहीं पूछा होगा, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने पूछ लिया लेखक से कि आप खाएंगे क्या। खीरा खाने के लिए पूछा लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए बोला, मना कर दिया, बोला नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा और फिर जीरा लगा दिया, फिर नमक मिर्च लगाया, फिर उनको तौलिए पर करीने से सजाया, जो होते ना बिल्कुल शौकीन खाने के, तो उन्होंने बिल्कुल काटा, नमक डाला, जीरा डाला, मिर्ची डाली और उनको सजा के रखा। अब नवाब साहब ने एक और बार लेखक को खीरे खाने के लिए पूछा कि भाई एक और बार पूछा कि क्या आप खीरा लेंगे, फिर क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुका था, अब इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए पेट खराब होने का बहाना बनाया कि नहीं नहीं मेरा पेट खराब हो जाता है तो मैं ये खीरा नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, उन्होंने मना भी कर दिया। अब क्या हुआ देखो, लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे हुए उन खीरे के टुकड़े को देखा, जो टुकड़े खीरे के लगे हुए थे अब उनको वो अपनी नवाबी शान दिखानी थी, ठीक है, तो देखा और फिर खिड़की से बाहर की ओर झांका और एक गहरी सांस ली। नवाब साहब ने खीरे की एक फांक को उठाया, खीरे की वहां खीरे कटे हुए थे उसकी एक फांक को उठाया, अपने होठों तक ले गए खाने के लिए और उस फांक को सूंघा, मतलब वहां काटे हुए थे बड़े रईस से नवाब की तरह ये उठाया, नाक के पास ले गए, सूंघा, उसका जो है उसकी खुशबू जो उसके सुगंध को जो है वो ग्रहण किया आराम से। फिर नवाब साहब ने आनंद से आंखें बंद की, बढ़िया सी पलकें मूंद ली उन्होंने और मुंह में भर आए, हम किसी चीज़ को खाने के लिए देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, कहते हैं ना कि मैं इसे देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया, तो मुंह में पानी आ गया। उसके बाद क्या किया, उसी को उन्होंने गुड़ से गले से उतारा और उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, चखा भी नहीं, लाए मुंह के पास लाए, सूंघा और जो गले में जो उनके पया मुंह में पानी आया उसको गले में उतारा और उस खीरे को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। बस इसी प्रकार से साहब क्या करते, एक एक खीरे के टुकड़े को अपने पास लाते, सूंघते, जो उनको देखकर पानी आता गले में उतारते और उस खीरे को क्या करते थे, खिड़की से बाहर फेंक देते। बस ऐसे करके उन्होंने सारे टुकड़ों को बाहर फेंक दिया, मतलब वो अपनी क्या बताना चाहते हैं, वो अपनी नवाबी शान बताना चाहते हैं। और आराम से फिर क्या किया, तौलिए से हाथ पहुँचे, होठों को पूछा और बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, मतलब लेखक की तरफ गर्व से देखता है, देखो हमारे ठाट ये होते हैं, हम नवाब हैं। और फिर बड़े गर्व से देख के और लेखक को शायद कहना चाह रहे थे क्या कि यही होता है खानदानी रईसों का तरीका, कि वो जो है क्या कहना चाहते थे कि शायद हम नवाबी जो लेखकों का है हमारा ठाट यही होता है कि हम किसी चीज को जो है बिल्कुल खाते नहीं है, सुगंध से हम पेट भर लेते हैं और फिर उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक गए थे शायद, इसलिए फिर लेट गए। अब लेखक ने क्या सोचा, लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। लेखक के अनुसार कि जो वो नवाबी जो लखनवी नवाब था उसने जो लेखक के सामने सारा किया कि खीरा लिया, काटा, नमक मिर्ची लगाया, सूंघा, डकार ली और फेंक दिया, तो लेखक सोच रहे हैं क्या केवल सूंघ कर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है, पेट पर जो है बोझ डाल देता है। कह रहे हैं नवाब साहब ऐसे जाहिर कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया, जैसे उन्होंने खा ही लिया है, डकार ली, जैसे उनका पेट भर गया, और कह रहे हैं कि खीरा बड़ा ही अजीज होता है पेट पर बोझ, यानी ज्यादा खा लिया जाए तो गैस की जो प्रॉब्लम हो जाती है और जो है
पेट पर बोझ डाल देता है। ये सुनकर लेखक ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी अंतर ही अंतर मन से समझ गए। लेखक क्या समझे कि जब घीरे की सुगंध से और स्वाद से पेट भरा जा सकता है, डकार आ सकती है, तो फिर कोई कहानी बिना किसी घटना के, विचार के, कथा वस्तु के, पात्रों के, लेखक की इच्छा से कोई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। यानी लेखक ने ये सारी घटनाक्रम को देखा और लेखक के मन में विचार आया कि जब किसी चीज़ को, वस्तु को बिना खाए पेट भरा जा सकता है, जब डकार ली जा सकती है, तो क्यों ना किसी पात्र के बिना, यानी कैरेक्टर के बिना, किसी कथा वस्तु के बिना, किसी घटना के बिना, किसी कहानी के बिना कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तब उन्होंने इस घटना को, इस जो शब्दों को एक रचना के रूप में पिरो दिया। तो यहाँ पर हमारा ये जो है लखनवी अंदाज का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग लखनवी अंदाज, यानी एक लखनवी नवाब का यहाँ पर अंदाज बताया है और इसके पीछे लेखक ने ये बताया है कि जब इस तरह से बिना खाए पेट भरा जा सकता है, तो बिना पात्रों और बिना कथा वस्तुओं, बिना घटना के कहानी भी लिखी जा सकती है। थैंक यू।